सोशल फोरम फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स द्वारा चंद्रपुर गढ़चिरौली जिले में सेवानिवृत्त और कार्यरत केंद्रीय कर्मचारियों को मुफ्त चिकित्सा उपचार प्रदान करने के लिए चंद्रपुर में केंद्रीय स्वास्थ्य कल्याण केंद्र के CGHS की मांग के लिए 2006 में एक लड़ाई शुरू की। 2012 में नागपुर उच्च न्यायालय में जनहित याचिका 117/2012 तैयार की गई थी। कोर्ट ने चंद्रपुर में तत्काल मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल स्थापित करने और सेवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। हालांकि इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके चलते फोरम की ओर से कहा गया कि हमारी लड़ाई इसी तरह जारी रहेगी। फरवरी 2021 के अनुसार चंद्रपुर में CGHS वेलनेस सेंटर खोलने की मंजूरी दी गई और 16 अन्य स्थान अस्पताल खोलने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का आभार माना। इस लड़ाई में फोरम के संस्थापक दौलत बेले, सुहास साकरे, अनिल खमाकर, रंगाचारी, प्रमोद गौर शेट्टीवार, विनायक नामुजवार, पांड्री पिंपड़कर, अन्ना कुटेमाटी, मनोहर साड़वे, पुरुषोत्तम बत्ते, वामन नापल्लीवार, मोहन मार्गनवार, शेखर खूम, मधु अटकरे, लीलाधर चौधरी, सुरवे व तीनसे ने अथक परिश्रम किया है। 2012 इथे पी एल आय लिटिगेशन ही फाईल केली। त्याच्यानंतर कार्य चालू होतं। त्यानंतर गव्हर्नमेंटनी आता इतक्या पिरियडमध्ये इतक्या वर्षानंतर आत्ता सँक्शन दिलेलं आहे की चंद्रपूरला CGHS हॉस्पिटल सुरू व्हावं। त्यानंतर स्टाफही त्यांनी फाईल केलं आहे। फक्त आम्हाला जागेची जरूरत आहे। जागा जर मिळाली तर ताबडतोब सुरू होईल। BCN News के लिए भद्रावती से शंकर टेक की रिपोर्ट।